में आध्यात्मिक भ्रांतियाँ ये आपकी ऊपर पड़ी, तो इसमें जो पढ़ा मेरे एक समझ में नहीं आई कि इसमें लिखा है आध्यात्मिकता का अर्थ है पूरा जानना, अर्थात मन को जानना। तो इसमें मुझे ये बात पूरा जानने का ही समझ में नहीं है। पूरा जानने का अर्थ होता है कि बाहर जो कुछ भी जैसा प्रतीत हो रहा है उसको वैसा अनुभव करने वाला कौन है? मन। तो बाहर को देखा और बाहर को देखने वाले को भी साथ ही देख लिया, और ये भी देख लिया कि बाहर जो कुछ दिख रहा है वो भीतर के देखने वाले से संबंधित है। यहां तक कि ये भी कह सकते हैं कि बाहर जो कुछ दिख रहा है भीतर कारण बैठा है उसका, तो पूरा जान लिया। बाहर कोई घटना घटी जो लगी अच्छी, हमें कोई घटना कभी सिर्फ घटना के तौर पे तो दिखाई देती नहीं, कभी आपने ऐसी कोई घटना नहीं देखी होगी जो मात्र घटना हो। घटना हमेशा क्या होती है? कभी अच्छी कभी बुरी। तो ये कौन था भीतर जिसे कुछ अच्छा लग गया कुछ बुरा लग गया? मन। किस आधार पे कुछ अच्छा बोला इसने कुछ बुरा बोला? संस्कारों के आधार। रुचि कहां से आई? जो दी गई बाहर से आई, संस्कार। गड़बड़ हो गई। बाहर को देखा रुचि के आधार पर, और रुचि कहां से आ रही है? बाहर से। तो मुर्गी पहले आई कि अंडा? बात समझ रहे हैं? आम आदमी एक देखता है, आम आदमी जब देखता है तो मात्र एक तत्व मौजूद होता है, कौन सा? संसार। और ज्ञानी जब देखता है तो एक नहीं दो नहीं तीन तत्व मौजूद होते हैं, कौन है ये तीन? संसार, जो अंदर देख रहे हैं और जो उसको देख रहे हैं। द्वैत के एक सिरे से जब देखोगे, मैं बनकर जब देखोगे तो बस दूसरा सिरा दिखाई देगा, उसका नाम है संसार। और जब साक्षी हो जाओगे तो तीन होते हैं, द्वैत के दोनों सिरे और तुम। जब द्वैत का एक सिरा बन के देखते हो तो तुम्हें मात्र संसार दिखाई पड़ता है, अपना तो होश खो ही चुके होते हो। तो कितने दिख रहे हैं? एक। दो भी नहीं है कि एक उधर एक इधर, एक है बस, क्योंकि आंख किधर देख रही है? अपना तो दृश्य कब का खो चुकी है आंख। आंख कभी आंख को देखती है? तो आंख अगर देख रही तो बस दीवार दिख रही है। और अगर देखना आता है तुम्हें तो देखोगे तो पाओगे कि दृश्य है, दृष्टा है, और दृश्य और दृष्टा से पूरी तरह से पृथक हो तो कितने हो गए? तीन। पर ये तीनों एक गिनती में नहीं आते, ऐसे मत कह देना एक दो तीन। इन तीनों में बड़ा भेद है, जमीन आसमान से ज्यादा का भेद है। दो एक तरफ है और एक बिल्कुल ही अलग आयाम में है। पूरा जानना आध्यात्मिकता का अर्थ है पूरा जानना। बात है साक्षित्व की, बात है निर्लिप्तता की। बाहर कुछ दिखाई दिया जो दुख का कारण था, और यह भी देख लिया कि ये जो भीतर वाला है इससे दुख हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पहचान क्या है इस दुख भोगने वाले की, वो भी देख लिया। बाहर तो जो दिख रहा था उसे देखना सहज था ही, बाहर से आई गाली, दिख गया कि बाहर कोई खड़ा था, उसका मुंह चला और मुंह से क्या उठी? गाली। वो तो दिख ही गया, आंखों ने दिखा दिया। जरा गहराई चाहिए ये देखने के लिए कि वो गाली मुझे लग क्यों गई, और गहराई चाहिए
कि गाली लग के भी लगे नहीं, कोई हो तुम्हारे भीतर जिसे गाली लगे ही नहीं, और वो उसको बस देख ले जिसको गाली लग गई है। गाली तुम्हें लग गई और कोई था जिसे गाली लगी नहीं, जो गाली का भी दृष्टा था और गाली खाने वाले का भी। उसने दुख देने वाले को भी देखा और दुख पाने वाले को भी, और वो स्वयं दुखी नहीं हुआ नहीं। वो तुम हो। बोलो उसको ही क्यों कहा गया आत्मा? बोलो उससे ही क्यों तुम्हारा तादात में बैठाया गया? बोलो कि बताने वालों ने क्यों कहा कि वही तुम्हारी असली पहचान है? बताओ। क्योंकि वो अप्रभावित रहा, तो अप्रभावित है तो तुम्हारी असली पहचान क्यों है? हम उसे देख नहीं सकते। तो उससे क्या हुआ? जिसे तुम देख नहीं सकते हो तुम हो जाओगे? दरवाजे के पीछे बिल्ली घूम रही है, उसे तुम देख नहीं सकते हो तुम हो गए? उल्टे पुलटे जवाब नहीं है। साक्षी को क्यों कहा गया कि तुम हो? दृश्य को क्यों नहीं कहा गया कि तुम हो? दृष्टा को क्यों नहीं कहा गया कि तुम हो? साक्षी मात्र से ही तुम्हारा नाता क्यों बताया गया? क्योंकि बाकी तो बदलते रहते हैं। समझो इसको, तुम अगर कुछ हो तो कल कुछ और थोड़ी हो सकते हो। जिसको समय बदल दे उसके भीतर तो बदलने के बीज पहले ही मौजूद थे, बदलने के तत्व तो पहले ही मौजूद थे, तो फिर वो था ही नहीं जो लग रहा था। समझे बात को? जो ऊपर से कुछ और लगता हो और भीतर अपने कुछ और छुपाए हुए हो, क्या वो है जो वो लग रहा है? नहीं। जिसके चेहरे पे मुस्कान हो और भीतर हिंसा का इरादा हो, क्या वो मुस्कुराता कहा जाएगा? नहीं। मात्र सतही तौर पे। इसी प्रकार हम जिस वस्तु को देखते हैं, हर वस्तु को, वो ऊपर ऊपर से वस्तु दिख रही होती है और भीतर बदलने का इरादा छुपाई होती है, तभी तो बदल जाती है। जो व्यक्ति भीतर बदलने का इरादा छुपाए हो उसके रूपों पे यकीन करोगे क्या? तो इसी तरह से संसार पे यकीन करने के प्रति चेताया है जानने वालों ने। उन्होंने कहा ही जैसा दिख रहा है ना कल होगा नहीं, इसका मतलब अभी भी जैसा दिख रहा है वो वैसा है, ऐसा है नहीं। ये ऊपर ऊपर से कुछ है और भीतर इसके कुछ चल रहा है, वो भी दिख नहीं रहा, कल दिख जाएगा। तो इसके मत हो जाना। जो बदल जाए वो असली नहीं, क्योंकि वो अपने भीतर कुछ और इरादा लिए हुए है, दिशा उसकी कुछ और है। साक्षी बदलता नहीं, इस कारण कहा गया कि तुम साक्षी हो, क्योंकि तुम कुछ ऐसे तो हो नहीं सकते ना जो बदले ही जा रहे हो। समझे बात? और ये बड़े धन्यवाद की बात है कि तुम साक्षी हो, उठापटक से बच गए। उठापटक तुम्हारे लिए बस मनोरंजन है, खेल चल रहा है, उसमें जो जो शामिल है तुम उन सब के दृष्टा हो, दूरस्थ दृष्टा, सम्मिलित दृष्टा नहीं। फुटबॉल का खेल चल रहा है, तुम फुटबॉल को भी देख रहे हो और खिलाड़ी की तरह नहीं हो कि सिर्फ फुटबॉल को देखो, तुम देखने वाले को भी, खेलने वाले को भी देख रहे हो। तो खेल से तुम्हारा नाता बना हुआ है, ऐसा नहीं कि खेल से नाता टूट गया। फुटबॉल से भी तुम्हारा नाता है, मैदान से भी नाता है, खेलने वाली टांगों से भी नाता है, और नाता बनाए रख करके भी तुम हो निर्लिप्त। यह है साक्षीत्व। तो साक्षीत्व कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे दुनिया छोड़ गए, साक्षीत्व ऐसा है कि जैसे दुनिया में हो लेकिन फिर भी दुनिया की चपेट में नहीं हो। साक्षी तो ऐसा है कि जैसे दुनिया में हो पर दुनिया की चपेट में नहीं हो। सड़क पर ट्रक आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, दाएं से निकल रहे हैं, बाएं से निकल रहे हैं, कभी तुम ट्रक के आगे से निकल रहे हो। ट्रकों के मध्य हो पर ट्रकों की चपेट में नहीं हो, गड़बड़ हो जाएगी।
सड़क पर जब होते हो तो ट्रकों के बीच तो होते ही हो, ट्रकों के बीच में होना एक बात है और ट्रकों की चपेट में होना बिल्कुल दूसरी बात है। साक्षीत्व का मतलब है रास्ता बना बना के निकले जा रहे हो बिना चपेट में आए, ये साक्षीत्व है। उदाहरण उदाहरण की तरह ही लेना, साक्षी कहीं को जा नहीं रहा हूं, बाद में मत कह दे रहा कि आपने बताया था साक्षी वो जो सड़क पे ट्रकों के बीच में घूमे तो मिल गया साक्षी, एक पकड़ा है टैक्सी चालक, वो दिन भर यही करता है ट्रकों के बीच में चलाता है। इशारे को समझो बस, अगर हम साक्षी है तो कुछ भी करेंगे, किस बेस को लेकर करेंगे? कोई बेस नहीं चाहिए, निराधार साक्षी, निराधार बेसलेस। तोते उड़ गए, बेस तो चाहिए, आधार चाहिए, बुनियाद चाहिए। साक्षी हवा में उड़ता है और उसकी बुनियाद होती है खुला आकाश, वही है बुनियाद। आकाश है आधार। अभी तुम्हारी बात समझ में ही नहीं आ रही, तुमने आकाश में खड़ी इमारतें तो देखी हैं, पर उनका आधार हमेशा जमीन में होता है। मैं कह रहा हूं साक्षी वो जो स्थित भी आकाश में है और जिसका आधार भी आकाश ही है। अब क्या करोगे? ऐसा भी होता है, तुमने उड़ता हुआ हवाई जहाज भी जो देखा है, एक मायने में उसका आधार जमीन ही होती है, जमीन से उसका संपर्क टूट जाए तो विमान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि नहीं? जमीन से उड़ता है फिर हवा में भी जब रहता है तो निरंतर जमीन से संपर्क बनाए रखता है और फिर जमीन पर उतर भी जाता है, तो वो तो निरंतर जमीन का ही आधार लिए हुए है। साक्षी की बात कुछ और है, उसकी उड़ान दूसरी है। यूं ही वो कहां खड़ा है? कहीं नहीं। कौन उसको सहारा दे रहा है? कोई नहीं। उसका बाप कौन है? कोई नहीं। उसे कितने बेटे? अच्छा बेटियां बता दो है ही नहीं। उसके साथ कौन? कोई नहीं। उसके ऊपर कौन? उसके नीचे कौन? वो बस है और यूं ही है। उसकी बात क्या? कोई बात नहीं। उसका नाम क्या? कोई नाम नहीं। ना आगे ना पीछे, शून्य शून्य नथिंग। भी और नहीं भी, जिसके पास कारण हो, जिसके पास आधार हो, उसको कहते हैं मन। साक्षी के भी कारण और आधार हो गए तो साक्षी कहां रह गया? साक्षी के लिए भी अगर तुमने कुछ बातें कर दी तो तुम तो साक्षी के भी साक्षी हो गए कि गए थे साक्षी के पीछे और उसको जान आए। उसीलिए उसको जाना नहीं जाता, इसीलिए उसके बारे में कोई बात नहीं, उसके बारे में बस इतना ही कहते हैं कि है कोई पीछे बड़ा, उसका हाथ है हमारे ऊपर, उसका आशीर्वाद है। वो कौन है ये पूछने की हम दृष्टता नहीं करते। हाँ बस प्रेम है हमें उससे। क्यों प्रेम है ये पूछो मत। निराधार अकारण बेवजह है, जस्ट लाइक दैट। नो रीजन। कैसे बताऊं?
गीतकार ने साक्षी सोच के नहीं लिखा था, साक्षी को नहीं सोचा जा सकता। पर कई बार अनजाने में ही ऐसी बातें हो जाती हैं। तो मन को वहीं लगाने की बात की जाती है। मन को कहीं भी लगाओ, तुम साक्षी के साथ लगे रहो। मन जहां जाए जाने दो, मन अपना पालतू है, छोड़ दो उसे, जाएगा घूमेगा फिरेगा, फिर सांस ढले लौट आएगा। तुम फालतू मन को लेके इतना उपद्रव मचाते हो, इतने सवाल करते हो, इतने अभ्यास, इतने योग कि क्या कर रहे हैं, मनोनिग्रह लगे हैं मन को दबाने में कि जैसे पालतू कुत्ता हो उसकी पूंछ खींच रहे हैं। वो कह रहा भाई काहे इतना शक करते हो, कहीं नहीं भागूंगा, शाम तक आ जाऊंगा, मुझे खेलने जाना है। मोहल्ले भर के सब कुत्ते वहां क्रीड़ा करते हैं मैदान में, मुझे भी वहां शामिल होना है, जाने दो लौट आऊंगा, भरोसा रखो। तुम कहते हो नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, बंद के रहे, मन का समूल नाश जरूरी है। वो कुत्ता कह रहा मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरा समूल नाश करोगे, तुम्हारा पालतू। तुम रहो, मन सलीके से रहेगा। मन सिर्फ तब उपद्रवी होता है जब तुम उसको अपनी ऊर्जा देना शुरू कर देते हो। ऐसे समझो कि कुत्ता गया 10 कुत्तों के साथ खेलने और भौंकने, और तुम भी चले गए कुत्तों के बीच, तुम भी कुत्ते बन के भौंक रहे हो। अब तो कुत्तों को बड़ा मजा आएगा, पहले तो भौंकने में कोई रस ही नहीं था, अब वो भौंके कहीं आज कुत्तों का कुत्ता मिला है, अमृत रस बरसा रहा, आज भौंको। बंदर को बंदर का काम करने दो, कुत्ते को कुत्ते का काम करने दो। तुम क्यों उसके साथ जुड़े जाते हो, उसके गुणों को तुम अपने ऊपर क्यों आरोपित कर रहे हो। मन त्रिगुणात्मक है, मन की अपनी सीमाएं हैं, मन की सीमाओं को तुम अपनी सीमा क्यों बना रहे हो। मन का अपना चाल चलन है, मन के चाल चलन तुम अपना चाल चलन क्यों बना रहे हो। तुम तो मन के साक्षी रहो और मन को करने दो जो करना चाहता है। श्रद्धा रखो, मन कुछ भी अनर्गल नहीं करेगा। मन कुछ ऐसा नहीं करेगा जिसके कारण जीवन में दुख का संचार हो। तुम सही जगह रहना बस, जैसे कि खूंटा सही जगह अगर गड़ा हो तो गाय को कितनी भी तुम ढील की रस्ती दे दो, तुम जानते हो कि सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी, प्रसन्न भी रहेगी। क्यों तुम उसका गला दबा देना चाहते हो, क्यों तुम उसे जरा भी जगह नहीं देना चाहते घूमने फिरने टहलने खाने के लिए। उसे दो खूब रस्सी लंबी दो, खूंटा जितना मजबूती से गड़ा हो उतना तुम्हें गाय के भटकने का खोने का डर कम रहेगा, है ना। खूंटा मजबूती से गड़ा है और रस्सी मजबूत है, कहां जाएगी, और जहां भी जाए जाए, उसे भी प्रसन्न रहने दो। खेल रही है, कूद रही है, जश्न मना रही है, अच्छा है ना। खूंटा गाड़ के रखो बस, इसको कहते हैं आत्मा में स्थापित होना। आत्मा में स्थापित होना, मन का खूंटा आत्मा में गाड़ दो और फिर लंबी रस्सी से जितनी छूट देनी हो दो, जहां जाना जाओ, कोई रोक टोक नहीं,
अध्यात्म तो आजादी की कला है, वहां रोक टोक की बात नहीं है, पर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने पहले परम को साधा हो, जिनकी श्रद्धा में कोई खोट ना हो, जिनका खूंटा गहरा गड़ा हो। फिर आजाद हो। हमारी हालत ऐसी है कि खूंटा तो है जमीन से बाहर उखड़ा ही हुआ, हवा चले तो खूंटा बाहर आ जाए, ऐसा हमारा खूंटा है। और फिर गाय भेकती है, बिदकती है, तो डंडा लेके गाय को पछियाए पड़े, अरे इधर मत भाग, इधर मत भाग, और दिन रात हमारा यही चल रहा है। स्वामी जी मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? अरे मन की चंचलता कोई समस्या नहीं है, तुम अचल नहीं हो, यह समस्या है। समझो बात को, मन की चंचलता नहीं है समस्या, तुम में नहीं है अचलता, यह समस्या है। और फिर जब खूंटा ठीक नहीं होता तो तुम सदा कहां पाए जाओगे? गाय के पास ही। गाय जितनी चंचल है तुम्हें भी उतना ही चंचल होना पड़ेगा। गाय उधर को भगी, तुम भी कहां को भगे? उसके पीछे पीछे भगे, या तुम जुड़ गए हो गाय से, गाय से तादात्म्य हो गया तुम्हारा। या तो खूंटा गाड़ो जमीन में, कि खूंटा जुड़ गया जमीन से, नहीं तो तुम्हें जुड़ना पड़ेगा गाय से। बात समझ रहे हो? या तो आत्मा में स्थापित हो जाओ, नहीं तो फिर मन से जुड़े जुड़े तुम्हें मन के साथ भटकना पड़ेगा। मन तो भटके तो ये उसका गुण है, तुम भटको तो ये तुम्हारा अभिशाप है। गाय इधर उधर भागे तो ये तो गाय की बात है, पर सोचो ना, गाय इधर उधर भाग रही है और जहां जहां गाय जा रही है वहां वहां तुम्हें भी जाना पड़ रहा है। और अभी तो गाय थी, सोचो गाय की जगह होता बंदर। अब जहां जहां जा रहा है बंदर, वहां वहां तुम भी जा रहे हो, टंगे हुए वहां। जब खूंटा नहीं गड़ा होगा तुम्हारा रिश्ता बन जाएगा बंदर के साथ, मन के साथ। वही तो बंदर है। खूंटा कैसे गाड़े? खूंटा उखाड़ो मत, खूंटा तो गड़ा ही हुआ है, तुम क्यों कोशिश कर करके उसे उखाड़ते हो? तुम जानते हो खूंटा उखाड़ते कैसे हो? प्रक्रिया पर ध्यान देना। तुम असली खूंटे के इर्द गिर्द 100 नकली खूंटे गाड़ते हो, और फिर उन नकली उथले खूंटों पे जाके अपनी रस्सी टांग देते हो, बांध देते हो। असली मौजूद है लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या आ गए? बहुत सारे नकली वाले। असली कहीं गया नहीं, असली खूंटा अभी भी उपलब्ध है, पर तुम बताओ तुमने रस्सी कहां बांध दी? अरे असली खूंटा उपलब्ध था और तुमने रस्सी बांध दी नकली वाले। अब असली उपलब्ध होते हुए भी तुम्हारे लिए अनुपलब्ध हो गया, क्योंकि तुमने असली के जैसे, असली के विकल्प तैयार करा लिए, जो असली है नहीं, लगते हैं असली जैसे पर उनमें दम है नहीं। ऊपर ऊपर से देखने सारे खूंटे एक जैसे, पर अंतर उनमें यह है कि बाकी सारे खूंटे धरती के नीचे हैं इतने से, तो लात मारो तो उखड़ जाएंगे, और जो असली खूंटा है वो धरती के नीचे है, इतना 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 इतना, वो उखाड़े नहीं उखड़ेगा। लेकिन ऊपर से देखोगे तो क्या लगेंगे सारे खूंटे? एक जैसे, क्योंकि धरती के ऊपर तो सब इतने इतने ही हैं।
नकली खूंटा धरती के ऊपर इतना है और धरती के नीचे इतना है, असली खूंटा धरती के ऊपर इतना है और धरती के नीचे इतना है, लेकिन धरती के नीचे जो चीज है वो आंखों को दिखाई पड़ती नहीं, तो आंखें जाती हैं बहर, गलत निर्णय हो जाते हैं, अब मारे गए। एक आदमी था उसके पास एक कीमती हार था हीरो का, अनायास मिल गया था, बिना मांगे बिना अर्जित किए। उसे समझ में ही नहीं आया ये उसके जीवन में क्यों आ गया इतना कीमती हार। जो राजाओं को फबे ऐसा हार, उसने कहा ये तो ईश्वर का प्रसाद है। कहीं जाना था उसे, उसने कहा इसको लिए लिए कहां फिरूंगा। तो एक नदी के तट पर था, वहां रेत ही रेत थी, उसने कहा इसको यहीं छोड़ देता हूं। तो उसने वो हार रख दिया और हार के ऊपर रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया, हार के ठीक ऊपर, हार शिवलिंग के नीचे था, रेत में दबा हुआ। उस व्यक्ति ने कहा ठीक ही किया मैंने, परमात्मा की दी हुई चीज थी तो परमात्मा के ही साथ है, ये तो आत्यंतिक बात हुई। और व्यवहारिक बात यह हुई कि अब वो सुरक्षित रहेगा क्योंकि धर्म क्षेत्र है, सब धर्मात्मा ही लोग आते हैं यहां पे, शिवलिंग कोई तोड़ेगा नहीं, लोग आएंगे प्रणाम करेंगे और चले जाएंगे, तो मैं लौट के आऊंगा तो हार को सुरक्षित पाऊंगा। बात तो उसकी ठीक, शिवलिंग के नीचे हार छुपा दिया, हार भी असली। शिवलिंग के प्रति उसकी भावना भी असली, सब असली ही असली। वो चला गया, महीनों बाद उसे लौटना था। कुछ लोग आए, धर्म क्षेत्र था, तीर्थयात्री, धर्मावलंबी, उन्होंने देखा शिवलिंग, उन्होंने कहा बढ़िया बात है, उच्च कोटि का विचार है, नदी की रेत से शिवलिंग बनाया, हम भी बनाते हैं, अवश्य पुण्य मिलता होगा। तो वो था, उसके पास में दो बना दी वैसे ही शिवलिंग, पूजा अर्चना की, उसको धन्यवाद दिया जिसने पहला बनाया था, बोले तुमने बनाया, तुमसे प्रेरणा लेके हमने भी बनाया, और चले गए। तो इलाका ही धार्मिक लोगों का और श्रद्धालु आए, उन्होंने कहा तीन, इसका मतलब यहां ये बनाने से पुण्य लाभ मिलता है। उन्होंने 10 और बनाए, बिल्कुल वैसे ही जैसा प्रथम था। याद रखना ये बात जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसा प्रथम था। और फिर क्या था, मीलों तक वो पूरा इलाका शिवलिंगों से पट गया। 3 महीने बाद वो आदमी वापस आया, उसने कहा धन्य महादेव, विचित्र लीला तुम्हारी, तुम ही तुम हो। हृदय उसका गदगद हो गया, लेकिन अब वो ये भी जानता था कि एक के नीचे हार, प्रथम की पहचान अब नहीं हो पाएगी, ऊपर ऊपर जो है वो सब एक सा हो गया है, जो नीचे है अब वो कभी दिखेगा नहीं। हार क्या खो गया था, मौजूद था ना, बस बहुत सारे नकली
शिवलिंग आ गए थे। अमीरों का इलाका कोई कैसे खोजे, और खोजने के लिए ध्वस्त भी तो करने पड़ेंगे, कोई कैसे ध्वस्त करे। हमारा भी ऐसा है, हमने न जाने आस्था कि कौन कौन से नकली खूंटे अपने जीवन में गाड़ दिए हैं, उनको अब उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। और ऊपर ऊपर से सब एक जैसे दिखते हैं, पता ही नहीं चलता कौन असली कौन नकली। वो पता सिर्फ तब चलता है जब खूंटे में जालते हो रस्सी, और रस्सी पे जरा सा जोड़ पड़ता है तो खूंटा जाता है उखाड़, वो सिर्फ तब पता चलता है। लेकिन फिर वो पता लगने की कीमत देनी पड़ती है, तो वो कीमत क्या है? धोखा, दुख कि धोखा हो गया, अरे कहां बांध दिया था। और कितनी बार तू अपना खूंटा उखड़वाओगे, जितनी बार उखड़वाते हो उतनी बार दर्द होता है, चोट लगती है, कि जिसको असली माना वो तो नकली निकला, इसलिए फंसे हुए हो। हरी बात समझ में? कोई विधि निकालो कि असली का पता चल जाए, नकलियों के साथ जुड़ना ना पड़े। जब तक नकली के साथ जुड़े हो, बंदर की तरह कूदते फांदते नजर आओगे, मन में ज्वार भाटा चलता ही रहेगा, कभी बड़े सुखी और दो घंटे बाद मोना। इतना क्यों रोना? बंदर बैठा है, उसके बगल में बैठा है आदमी, और दोनों खुजली कर रहे हैं। किस पे हंसोगे? दोष देते हो मन को, ये मन ना बड़ा दुष्ट है। मन दुष्ट नहीं है, मन बस मन है, मन बस मन है। तुम सही रहो, मन सही रहेगा। सात्विक घरों में जो कुत्ते भी पले होते हैं वो मांस इत्यादि नहीं खाते, जानते हो ना, उनकी जिंदगी निकल जाती है, वो मांस चखते नहीं, और हट्टे कट्टे भरपूर रहते हैं बिना मांस के, जैसा मालिक वैसा पशु। तुम मन के मालिक हो, तुम बिगड़े हुए हो, तुम्हारा पशु भी बिगड़ा हुआ रहेगा। उपद्रवियों के यहां के जानवर भी बड़े उपद्रवी हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता था कि राम राज्य में शेर और बकरी एक ही काट पर पानी पीते थे, क्योंकि यथा राजा यथा प्रजा। राजा कौन है? तुम। प्रजा कौन है? मन। जैसे तुम वैसा मन। तुम सही जगह रहना सीखो, राजा को महल में रहना चाहिए, और रात में भेष बदल के प्रजा का हाल जानने निकलना चाहिए, ऐसे कि सब जान लिया और हमें कोई नहीं जान पाया, हम तो हैं
हम तो हैं पर अदृश्य हैं, हम तो हैं, हम तो हैं साक्षी। तो राजा वो जो रात में निकले और ऐसे निकले कि वो सबको जान ले, प्रजा का सुख दुख सब पता चल जाए उसको, लेकिन वो प्रजा के साथ लिप्त ना हो जाए, चुपचाप देखे, सब जाने, तब प्रजा भी सुख पाती है। ऐसे राजा के साथ प्रजा आनंदित रहती है, रामराज्य मनाती है। साक्षी राजा, अंधा राजा नहीं कि जैसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, लिप्त राजा भी नहीं कि जो प्रजा के बीच में घुस गया। अब तुम राजा हो और प्रजा के बीच में घुस गए हो तो गड़बड़ी करोगे, क्योंकि ताकत तो है ही तुम्हारे पास। न अंधा राजा, न लिप्त राजा, साक्षी राजा। जो अंधा नहीं है इसलिए देखता है, पर देखते हुए भी लिप्त नहीं होता है। ऐसे जियो, जानो सब, पकड़ो कुछ नहीं, लेकिन अंधे मत हो जाना, जानना सब कुछ, निगाह साफ रखना। बताइए, मैं पढ़ूंगा नहीं, खुद ही बताओ क्या लिखा आचार्य जी। जैसे हम कह रहे हैं कि तुम लिप्त ना होना, मगर हम जब देख रहे होते तो हम मन के अलावा हमको कुछ अलावा जान भी नहीं पाते, मतलब इतना ज़्यादा जुड़ाव है कि दूसरी इकाई का तो हम पता भी नहीं चलता। अब दूसरी इकाई पहले समझ आए तो ही तो मन का खेल चलने देना। प्यास समझते हो क्या, बोलो। वो तो लगती है, तो समझने की क्या बात है। पानी समझते हो क्या या पीते हो, बोलो। प्यासे को पानी समझना नहीं है, पानी पीना है। ये जो समझने की बात है, ये अहंकार और नियंत्रण की बात है कि पहले समझेंगे फिर प्रवेश करेंगे, बेकार की बात। जहां प्यास बुझती हो वहां पी जाओ, भले उसका नाम जल ना हो। नाम में क्या रखा है, हो सकता है किसी ऐसे देश में हो जहां जल को थल बोलते हो, तुम थल पी जाओ। पानी का प्रमाण बस ये है कि वो प्यास बुझा रहा है। अगर प्यास बुझा रहा है तो ठीक है ना, जहर तो प्यास नहीं बुझाता। पानी की परिभाषा जो प्यास बुझाए सो पानी, और पानी है इसका प्रमाण प्यास। पानी ना होता तो तुम्हें प्यास कैसे लगती, चैन ना होता तो तुम्हें बेचैनी क्यों अनुभव होती, परमात्मा ना होता तो तुम तड़पते क्यों। तुम्हारी तड़प प्रमाण है परमात्मा का। लोग साक्ष्य मांगते हैं ना कि कैसे पता है, अरे तुम्हें देख के पता है कि है। वो ना होते तो तुम इतने अकुलाए क्यों रहते, वो है तभी तो तुम व्याकुल हो कि वो मिले। तुम उसका नाम लेके नहीं कह रहे हो कि वो मिले, पर एक अव्यक्त अनजानी लेकिन सशक्त प्यास है ना भीतर। तुम खुद नहीं जानते तुम्हें क्या चाहिए, वो जो तुम्हें चाहिए पर जिसको तुम जानते नहीं, अरे उसी को तो परमात्मा कहते हैं। और हर इंसान से पूछो कि तुझे पता है तुझे क्या चाहिए, कहेगा कुछ चाहिए तो, पर ठीक ठीक पता नहीं है, तो हम प्रयोग कर रहे हैं, कभी ये उठाते हैं कभी वो उठाते हैं।
तुम्हारी प्यास ही प्रमाण है कि परमात्मा है। दो से एक होना चाहते हैं, एक से शून्य भी होना चाहते हैं, शून्य और फिर शून्य को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं। इस चक्कर में मत फंस जाना कि समझना है और ये करना है वो करना है। देखो प्यासे हैं और पानी समझने की कोशिश कर रहे हैं, छह साल से लगे हैं पानी समझने की कोशिश में। पानी रखा है सामने और ये उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि समझ आ जाए तब ना पियेंगे। उड़ जाएगा फिर तड़पते फिरना और कि मिले मिले। आदर्शों से पेट नहीं भरता, जिससे पेट भरे सो आदर्श। बता रही समझ में, जो प्यास बुझाए सो पानी। समझो बूझो नहीं, देखो कि प्यास कहां बुझ रही है। तुम्हारी प्यास तुम्हारा निकटतम तथ्य है, उसी का सहारा लो। देखो कि कहां जाके प्यास बुझती है, जहां प्यास बुझती है उसी का नाम पानी है। वही चाहिए तुमको, जिसको तुम समझना बोलते हो ना, वो ज्ञान है। वैज्ञानिक आज तक भी पूरा ना समझ पाए होंगे कि पानी को शरीर कैसे सोखता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा आंशिक और अधूरा होता है। ज्ञान की कभी सीमा नहीं आती, जितना तुम्हें पता है उससे थोड़ा और ज्यादा जाना जा सकता है। तो अगर तुम इस इंतजार में रहोगे कि पानी और गले का पूरा संबंध जब ज्ञात हो जाए सिर्फ तब पिएंगे, तो अनंत समय तक भटकते रहना, वो ज्ञान कभी पूरा होगा नहीं। और अगर तुम ज्ञान के भरोसे जी रहे हो तो तसल्ली कभी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि ज्ञान पूरा होता नहीं। कुछ ना कुछ तो जानना शेष रह ही जाता है। जैसे जब तक सुन रहे होते हैं आपको या फिर किसी कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तब तक तो सही सही लगता है, फिर उसके एक दो घंटे बाद किसी और काम में लगते हैं तो हम भूल क्यों जाते हैं वो सब, जबकि हमें अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होती है। जैसे मेरा सुबह वाला क्वेश्चन ये था कि वो मेमोरी का पार्ट है क्या जो हम भूल जाते हैं। मेमोरी है इसीलिए भूल जाते हो, और चूंकि उसे तुम स्मृति के साथ भूल जाते हो इसीलिए उसको बोध नहीं कह सकते। इन्होंने पूछा था कि अगर किसी तरीके से स्मृति का लोप हो जाए,
मान लो इनके मस्तिष्क पर कोई वार हो और इनकी याददाश्त चली जाए या इनका मस्तिष्क ही बिल्कुल पलट दिया जाए, तो इन्होंने जो कुछ समझा है क्या वो भी गायब हो जाएगा? स्मृतियां जब गायब होंगी तो क्या समझ भी गायब हो जाएगी? समझ नहीं गायब होती, निष्कर्ष गायब हो जाते हैं और निष्कर्ष समझ नहीं है। सिद्धांत गायब हो जाते हैं, आदर्श गायब हो जाते हैं, सूत्र गायब हो जाते हैं, इनमें से किसी को भी बोध नहीं कहते। बोध इन सबकी अनुपस्थिति का नाम है। जब निष्कर्ष न निकालो और नंगे खड़े रहो तो बोध है, उसका स्मृति से क्या लेना देना? स्मृति चली भी गई तो वो तो है, और स्मृति तो जाती ही रहती है कि नहीं जाती? आज जो याद है वो कल याद रहता है क्या? तो स्मृति तो एक मामले में निरंतर आ रही है जा रही है, आज जो है वो कल नहीं है। बोध कोई और बात है, बोध एक अनुपस्थिति है, वो किसी चीज के होने का नाम नहीं है कि कोई चीज ली और उसको स्मृति में बैठा दिया तो कहोगे बोध मिल गया। निष्कर्षों का नाम नहीं है अध्यात्म। पानी शब्द नहीं है, ज्ञान से प्यास नहीं बुझेगी। ज्ञान रहता है स्मृति में, शब्द रहते हैं स्मृति में, जो कुछ होता है वो पदार्थ है, उसका नाम होगा, उसकी कोई अवस्थिति होगी, वो कहीं होगा, वो बढ़ सकता है, वो टूट सकता है, वो घट सकता है। ये सब तुम्हें थोड़ी चाहिए। तुम्हारा मन पदार्थ की तलाश में बावला नहीं है, और अगर वो पदार्थ को खोज रहा है तो यही जान लेना कि वो पदार्थ को किसी के विकल्प की तरह खोज रहा है। कदाचित जिस किसी को तुम पदार्थ की हवस में भी पाओ तो यही जान लेना कि ये खोज तो पदार्थ रहा है लेकिन चाहता है कुछ और। धारणा इसकी ये है कि पदार्थ के माध्यम से वो कुछ और मिल जाएगा, वो पदार्थ के माध्यम से नहीं मिलेगा। बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। चल जी, हम तो हिंदू उपनिषद में पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ओशो कहते हैं कि जब जिस दिन मेरी बुक जो मेरी किताबें हैं शास्त्र बन जाए उस दिन जला देनी चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है दोनों में।
उनका आशय यह है कि जिस दिन तुम मेरी किताबों से वही सुलूक करने लगो जो तुमने शास्त्रों के साथ किया, उस दिन मेरी किताबें व्यर्थ हो गई। तुमने शास्त्रों के साथ क्या सुलूक किया है? घर में रख दिए, घर में रख दिए हैं और उनको अपनी मंशा के अनुसार पढ़ा है। तो ओशो कह रहे हैं कि मेरी किताबों को जीवंत रहने देना, उनको मुर्दा शास्त्र मत बना देना। शास्त्र नहीं मुर्दा होता, शास्त्र को देखती तुम्हारी दृष्टि मुर्दा हो जाती है। ओशो कह रहे हैं कि जीवित दृष्टि से, सचेत दृष्टि से, विनम्र और श्रद्धावान दृष्टि से देखो मुझे और मेरी कही बातों को। मेरी पुस्तकों को अपने अहंकार का परिपूरक मत बना लो। शास्त्रों से कहां हम कुछ सीख पाते हैं, और इसमें गलती शास्त्रों की नहीं है, गलती हमारी है, सीखने वाले की, सीखने वाले की नजर की है। ओशो कह रहे हैं उस नजर से मेरी कही बातों को मत देखना।